अगर मोदी जी ये कहते हैं साथ पक्षपात नहीं हुआ तो एक मैराथन मुकाबला अवश्य कराए, जो कि देश का सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोही या प्रशिक्षक जो भी है उसके साथ मुकाबला अवश्य कराए, ताकि एक सच्चाई देशवासियों के सामने आ सके कि मेरे साथ कितना पक्षपात हुआ है। इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड स्मार्ट वॉचेस कलेक्शन विद ग्रेट ऑफर्स एट मिनट्स टू स्टाइल, स्टेशन रोड अजमेर एंड अपोजिट सूचना केंद्र जयपुर रोड अजमेर। सर मेरा नाम हरिओम सिलवाल है, मैं भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं एक रेस्क्यूर पर्वतारोही हूँ। ठीक है, सन 2014 में जब मोदी सरकार आई तो मोदी जी ने ये कहा था हम देश से भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, लेकिन 2014 से मैं भारत सरकार और राज्य से हरियाणा राज्य सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए, मुझे नहीं दी जा रही है। इन्होंने मात्र बेसिक एडवांस किया, उनको माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, लाखों रुपये इनाम दिए जाते हैं, पद्म भूषण पद्म श्री तेंजिंग नोरगे अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो ये देश में जो हो रहा है ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? अगर मोदी जी देश से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं कर सकते तो मेरा मोदी जी से आग्रह है या तो ये ट्रेनिंग सेंटर को बंद किया जाए, क्योंकि ट्रेनिंग से जो सर्टिफिकेट है मेरा अपना व्यक्तिगत नहीं है, ये भारत सरकार ने दिया हुआ है, मैंने रेस्क्यू कोर्स किया तभी मुझे मिला है, बगैर कोर्स किए नहीं मिलता है। अगर मोदी जी ये मानते हैं कि मेरे शासनकाल में पर्वतारोही हरिओम सिलवाल के साथ कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो भारत सरकार जो भारत का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोही जो है उसके साथ एक मैराथन मुकाबला कराए माउंट एवरेस्ट अभियान रूट के ऊपर, या NSGSPG का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक या पर्वतारोही है उसके साथ एक मुकाबला कराएं, ताकि मोदी जी को पता चले, आम जन को ही पता चले कि मेरे साथ कितना पक्षपात किया गया है। उस मुकाबले से एक वास्तविक जो सच्चाई वो उभर के आएगी और देश को ये पता चलेगा कि जिन लोगों को अभी तक अवार्ड दिए गए हैं उनके अंदर योग्यता कितनी थी और जिसके साथ पक्षपात किया गया उसके अंदर योग्यता कितनी थी। फिर मैं दोबारा यही कहना चाहता हूँ कि NSGSPG के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक पर्वतारोही के साथ सागर माथा मैराथन ने मुकाबला कराए, ताकि देश के सामने एक वास्तविक स्थिति आ सके और देश को पता चल सके कि एक ब्राह्मण होने के नाते मेरे साथ कितना पक्षपात किया गया है। और मोदी जी ने सन 2014 में ये कहा था मैं नीच जाति का हूँ मगर मेरी राजनीति नीच नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है ब्राह्मण होने के नाते मेरे साथ नीच व्यवहार किया जा रहा है। अब क्या चाहते हो? सर मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी ये कहते हैं इनके साथ पक्षपात नहीं हुआ तो एक मैराथन मुकाबला अवश्य कराए, जो कि देश का सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोही या प्रशिक्षक जो भी है उसके साथ मुकाबला अवश्य कराए, ताकि एक सच्चाई देश के सामने आ सके, देशवासियों के सामने आ सके कि मेरे साथ कितना पक्षपात हुआ है। ये पक्षपात होने का सबसे बड़ा रीज़न मैं ये मानता हूँ कि मैं एक ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों को बेसिक एडवांस किया उनको जाने के लिए सहायता दिया गया, आने के बाद पद्म भूषण पद्म श्री दिया गया, अर्जुन अवार्ड दिया गया, तेंजिंग नोरगे दिया गया, वो किस आधार पर दिया गया, उनको जाने के लिए आर्थिक सहायता किस आधार पर दी गई। सन 2014-18 में मोदी जी ने ये मन की बात में ये कहा था महाराष्ट्र के जो बच्चे थे, कुछ बच्चे माउंट एवरेस्ट पर जाके आए, उनको कैश प्राइज दिया गया और उनको नौकरी देने की घोषणा की गई, ये मतलब एक भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं है तो क्या है? तो अब आप कैसे क्या घूमते हो साइकिल से क्या? सर मैंने ये यात्रा भिवानी हरियाणा से शुरू किया और ये मेरी यात्रा महाराष्ट्र तक जाएगी, और महाराष्ट्र मैं पहुंचने के बाद भी अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो ये यात्रा मेरी तब तक चलेगी जब तक मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। तो कैसा न्याय चाहते हो आप? सर मैं यही न्याय चाहता हूँ, मेरा एक मुकाबला कराया जाए, जो देश जो सरकारी रिकॉर्ड में जो बने बैठे हैं भाई ये सर्वश्रेष्ठ है, बेसिक एडवांस करने वाले को सर्वश्रेष्ठ मान के इतने बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, एक रेस्क्यूअर है जो कि अपनी जान जोखिम में डाल के आपातकाल में किसी भी स्थिति में एक पर्वतारोही को बचा सकता है, जिसने ये कोर्स किया उसकी फरियाद तक नहीं सुनी जाती। अच्छा, तो अब ऐसे में आप कितने दिन हो गए निकले हुए आपको? सर मैंने 7 तारीख से मैं निकला है। ठीक है, और अभी मेरे पास स्थिति ये है कि मेरे पास पैसे की काफ़ी आर्थिक तंगी चल रही है। ठीक है, अब मेरे को खाना भी भिखारी की तरह मांग के खाना पड़ता है, मेरी स्थिति यहाँ तक दयनीय हो चुकी है। तो फिर आप कैसे यात्रा कर रहे हो? सर जो भी खाने की व्यवस्था है मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई मेरे को सिर्फ खाना खिला दीजिए ताकि मैं यात्रा अपने स्थान तक पहुँच सकूँ बॉम्बे तक। आपका नाम? मेरा नाम हरिओम सिलवाल है सर। कहाँ से? भिवानी हरियाणा।